Servì più? Andiamo. दया कर दो
ईश्वर की बड़ी सुंदर प्रार्थना जो हम स्कूल में पहले हमारे स्कूल में यही प्रार्थनाएं गाया करते थे हम असेंबली में, तो तब प्रार्थना अच्छी तो लगती थी पर उसका ये गहरा जो अर्थ है वो समझ में नहीं आता था। ये इस प्रार्थना का कितना गहरा गूढ़ अर्थ है ये वेदों को पढ़ने के पश्चात पता चल रहा है, समझ में आ रहा है कि ये प्रार्थना का एक एक शब्द हमें क्या बताया जा रहा है, कितनी सुंदर बातें बता दी। दया करना हमें विद्या का दान, जीवात्मा को क्या लगी है, अविद्या लगी है ना, अविद्या के कारण वो इतना सारा आवागमन के चक्कर में और दुखों से पीड़ित वो क्यों है, दुखों का मूल कारण अविद्या है। इसीलिए ईश्वर ने ईश्वर से वो क्या याचना करता है कि विद्या दो, विद्या चाहिए, विद्या के बिना कुछ भी काम नहीं बनता, ये अविद्या चिपक जाती है। तो क्या बता दिया, हमारी आत्मा में शुद्धता देना, तो आत्मा जो स्वभाव से मूल स्वभाव से तो वो शुद्ध है पर वो आत्मा प्रकृति के साथ अविवेक पूर्ण संबंध बना के अशुद्ध हो गई है। जब आत्मा का संबंध विवेक पूर्ण प्रकृति से होता है तब अविद्या नहीं चिपकती। वो कैसे, जैसे कीचड़ में कमल, इस संसार में हम देखते हैं ना कीचड़ में कमल होता है, मुंह जरा सा ऊपर उठा उसको कीचड़ छू नहीं सकती। हाँ, और दूसरा क्या, ईश्वर। अब देखिए जैसे इस संसार में हम भी रहते हैं, ईश्वर भी रहता है ना कण कण में, तो संसार में ईश्वर भी रहता है, हम भी रहते हैं, इस शरीर में आत्मा भी रहता है, आत्मा के साथ परमात्मा भी रहता है। तो यह प्रकृति की जो दोष है, अविद्या है, वो ईश्वर को नहीं चिपकती, हमें चिपकती है। जीवात्मा को अविद्या लग जाती है, ईश्वर को अविद्या नहीं लगती। तो उसका क्या कारण है, उसका कारण है ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण है, पूरा पूरा उसको संपूर्ण ज्ञान है, प्रकृति क्या, मैं क्या, सारा कुछ उसको संपूर्ण अच्छी तरह से, तीनों जो पदार्थ है, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, प्रकृति क्या, तीनों विषयों का अच्छा सही सही शुद्ध ज्ञान है, इसीलिए उसको अविद्या नहीं चिपकती। और जीवात्मा के पास ज्ञान की कमी है, वो अल्पज्ञ है, उसके पास ज्ञान तो है ही नहीं, जीरो है। और जब संसार में आता है तो ज्ञान उसको प्राप्त होता है, प्रथम माता से, पिता से, आस से, पड़ोस से, स्कूल से, कॉलेज, फिर जहाँ काम करता है हर जगह से उसको कुछ थोड़ा थोड़ा ज्ञान वो प्राप्त करता जाता है। अब वो ज्ञान दो प्रकार का होता है, अशुद्ध भी होता है, शुद्ध भी होता है। अगर माता पिता शुद्ध हैं, विवेकी हैं, विद्वान हैं, तो संतानों को भी वो शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। पर अगर माता पिता ही अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं, अविद्या वाले हैं, तो फिर संतानों में भी वही संस्कार, वही अविद्या चिपक जाती है। और घर के बाहर तो चारों ओर अविद्या का भंडार है, जहाँ जाए देखें, आस में, पड़ोस में, स्कूल कॉलेजों, जहाँ कार्य करते हैं, तो हर जगह ये दोनों बातें, दोनों ज्ञान होता है। अब जिसका ज्ञान शुद्ध है, पवित्र है, विद्या जिसने ग्रहण की है, ज्ञान को उतारा है, ज्ञान का आचरण, ज्ञान सुन के चिंतन मनन करके व्यवहार में उतारा है, उसको अविद्या नहीं चिपकती।
वो निर्लेप ईश्वर की भांति रहता है, कीचड़ में कमल की भांति, संसार में रहते हुए भी उसको अविद्या छू नहीं सकती। अविद्या से बचकर वो अच्छी तरह से जीवन जीता है और दूसरों को सुख। तो इसीलिए तो कितनी अच्छी बात बता दी कि ईश्वर से जुड़ना, हमारी ध्यान में आओ, प्रभु आंखों में बस जाओ। ईश्वर से जब ईश्वर का ध्यान मनुष्य को हर समय रहता है तब वो अशुद्ध कार्य नहीं कर पाएगा। अविद्या क्या है? अशुभ कर्म कराते हैं ना। अविद्या से बचने का तात्पर्य क्या है? अशुभ कर्म न करना। तो अशुभ कर्म व्यक्ति कब छोड़ सकता है? अशुभ कर्मों से मानव तब तक नहीं छूट सकता जब तक वो ईश्वर को अपने ध्यान में ना रखे। ईश्वर को ध्यान में रखना है, ध्यान अर्थात मस्तिष्क, दिमाग में फिट होना चाहिए। ईश्वर मेरे अंदर, ईश्वर मेरे बाहर, ईश्वर चारों ओर कण कण में मुझे देख रहा है, फिर उसका व्यवहार शुद्ध रहेगा, विद्यापूर्ण, फिर उसका हरेक प्रत्येक कार्य, प्रत्येक सोच, उसका सब कुछ विद्यापूर्ण रहेगा। जब विद्या से कर्म करेगा तब आप बताएं वो चारों ओर सुख शांति आएगी कि नहीं आएगी। तो इसीलिए क्या बता दिया, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। ये विद्या के गुण हैं। प्रेम मनुष्य के अंदर प्रेम की कमी है, ज्ञान की तो है ही है पर प्रेम से भी वो शून्य हो गया, शुष्क। शुष्क जिसको कहते हैं ना, रूखा, सूखा, लूखा, जो जैसे नहीं कहते, रूखा भोजन नहीं करते, लूखा भोजन नहीं करते, उससे कोई पौष्टिकता नहीं आती। तो मनुष्य का व्यवहार भी रूखा सूखा, जिससे सामने वाले की आत्मा को कोई प्रसन्नता अनुभव ही नहीं होती, क्योंकि उसका सारा व्यवहार रूखा सूखा, एकदम शुष्क व्यवहार। प्रेम चाहिए हृदय में ऐसा भर भर के फुहारा, जैसे प्रेम का सागर। क्या बता दिया? प्रेम का सागर बहा दो। सागर कैसे, कितना विशाल होता है, अपने हृदय को विशालता से भर देना। ईश्वर क्या है? ईश्वर का स्वरूप प्रेम पूर्ण है, ईश्वर प्रेम ही तो है। तो हमें क्या करना है? ईश्वर का वो शुद्ध प्रेम, पवित्र प्रेम, ममतामय प्रेम, सबके साथ वो हमारे अंदर प्रेम ऐसा हृदय में हिलोरे भरना चाहिए, जैसा झरना कैसे कल 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 बहता ही रहता है निरंतर। सामने से जो गुजरा उसको वो लाभ मिलता है, वो देख देख के सूंघ सूंघ के झरना या नदी या जो भी होता है सागर, वो क्या देख के देता है? ये मेरा वाला, इसको दूंगा, ये ना, ये मुझे नहीं पसंद, इसको नहीं दूंगा। क्या वहां ये बात होती है? नहीं होती। हमें भी प्रेम का अंदर विशालता इतनी भरनी है, जो भी हमारे संपर्क में आए। हम कोई प्रेम देने के लिए बाजारों में घूमते नहीं फिरते, हमारे पास ना समय होता है, पर हमारे संपर्क में जो भी आया, प्रथम तो हम परिवार में रहते हैं तो परिवार के एक एक सदस्य के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार। ये परिवार क्यों टूट रहे हैं? प्रेम की कमी है, स्वार्थ, मतलब मेरा मेरा, मैं खा जाऊं, मैं पहनूं, मैं घूमूं, मैं करूं, सब मैं, तू नहीं, मैं। जब यहां जहां भी यह बात आएगी, मात्र मैं, तू ना, तब तो वहां असंगठन, अनेकता आ जाएगी ना, परिवार टूट जाएंगे। एक भाई बोलेगा मैं, दूसरा बोलेगा ना तू नहीं, तू कम कमाता है। अच्छा, तो हर एक का सामर्थ्य अपना है, तू तेरे में अधिक सामर्थ्य है, तू अधिक कमाता है, कोई बात नहीं, उसमें कम सामर्थ्य है तो पर घर की जो आवक है तो सबके लिए सम होनी चाहिए। जब यहाँ समता टूटती है जहाँ वहाँ वहाँ फिर परिवार टूट जाते हैं, टूट जाएंगे ना, फिर कब तक? फिर ऐसी असमानता किसी को पसंद नहीं आती। तो इसी वजह से, प्रेम की कमी की वजह से परिवार भी टूटते हैं, समाज भी टूटते, सारे रिश्ते क्यों गड़बड़ा जाते हैं? नहीं तो आप सोचो, प्रेम पूर्ण रहने से कितना आनंद, कितनी प्रसन्नता। आप देखो, जब सबके साथ प्रेम होता है, हम सबको प्रेम करते हैं और सामने से भी जब सबका प्रेम आता है, आप देखना उस वो क्षण आप याद करो,
चारों ओर ऐसा सुख आनंद आपको कहीं कभी नहीं मिला होगा। करोड़ खर्च करने के बाद भी वो आनंद प्राप्त नहीं होगा। जो आनंद आपको सबको प्रेम देने से और सबका प्रेम प्राप्त करने से जो आनंद मिलता है, उस आनंद का क्या कहना। वो आनंद शब्दों से बयान नहीं होता, वो करके आप अनुभव कीजिए। निस्वार्थ प्रेम करना सीखिए सबको, सब मेरे हैं, कोई पराया नहीं, कोई नहीं पराया, सच में सब अपने हैं। क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे, क्या मेरा तेरा, क्यों मेरा तेरा करके अपना भव और दूसरों का भी भव बिगड़ता है। देखिए, जब व्यक्ति को सामने से हम प्रेम एक दूसरे को देते हैं तो पता है क्या होता है, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आत्मा की शक्ति, आत्मा का भोजन है प्रेम, सच्चा वाला, निस्वार्थ, बिना किसी कोई भी छल कपट के, कुछ भी दिखावे दिखावे वाला नहीं, सच्चा वाला। मेरा, मेरे भैया, मेरी बहना, मेरी माता, मेरा ये, मेरा वो, सब मेरा, बस मेरा, ये एक शब्द, सब मेरे हैं। प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे तो बहुत सुख शांति। ये आज के भजन का मुख्य, ये प्रार्थना बचपन से ही देखो मनुष्य को, स्कूलों में हमारे समय तो ऐसी प्रार्थनाएं थी, अब तो पता है ये अंग्रेजी स्कूलों में क्या, पर हमारे समय तो हमारी, मुझे पता है हमारे स्कूल की प्रिंसिपाल जो थी बड़ी अच्छी नेक थी, लेडी थी, बहन थी, इतनी अच्छी आध्यात्मिक थी। इसीलिए हमारे अंदर स्कूल से भी, माता पिता से तो, पिता मेरे पिताजी से तो मुझे खूब संस्कार, पर स्कूल की टीचर और अध्यापक, हमारे अध्यापक भी बड़े अच्छे हुआ करते थे, अच्छी अच्छी बातें, संस्कार, वो संस्कार प्रेम पूर्ण व्यवहार। हमारे अंदर प्रेम कूट कूट के भरा है, क्या पता क्यों इतना प्रेम भरा है। प्रेम से उदारता, संकीर्णता नष्ट हो जाती है। जहाँ प्रेम का भाव आ गया ना, फिर सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। क्या कृपणता, क्या कठोरता, कुछ भी नहीं रहता, सब व्यक्ति भूल जाता है, सब एक दूसरे को देने के लिए तैयार। प्रेम, ये प्रेम की शक्ति है, तो इसीलिए प्रेम बढ़ाना है एक दूसरे के प्रति प्रेम। फिर सेवा, सेवा भी करनी है ना। सेवा में देखो हमेशा क्या बात आती है, तन मन धन से। तो क्यों ऐसा कहा जाता है, तन से भी सेवा, शरीर से सेवा, फिर मन से, सबसे अधिक सेवा मन से होती है। कई लोग कहते हैं अच्छा जब देखो जब धन धन धन, पर मात्र धन से सेवा नहीं होती। धन तो देखो तीसरे नंबर पे आया, प्रथम क्या आया, तन, दूसरी बार मन, फिर आखिर में धन आया। तो तन से, शरीर से देखिए सेवा करते हैं एक दूसरे की, बड़ों की, और मन से सबसे अधिक सेवा व्यक्ति मन से करता है। मन में, मन की सेवा का अर्थ पता है क्या है, मन में सबके प्रति प्रेम पूर्ण भाव, सद्भाव। जब सबके लिए सद्भावना होगी तब तो मनुष्य मन से कुछ अच्छा भाव करेगा, तब तो दो बोल किसी के लिए प्रशंसा पूर्वक बोलेगा। प्रशंसा व्यक्ति कब कर सकता है, जब उसके मन में सद्भावना होगी तब तो करेगा, वरना देखो आप, ना ना क्या, मेरे जैसा, लो कर लो बात, मेरे जैसा ज्ञानवान गुणवान विद्वान कोई है, मैं क्या किसके लिए क्यों बोलूं, लो कर लो बात, ये जो बताते हैं इससे अधिक तो मैं जानता हूँ, मुझे तो सब पता है, मुझे सब आता है। जब इस प्रकार के भाव रहते हैं तो आप बताएं मन में भाव होगा सामने वाले का, किसी को भी हम अब उच्च समझेंगे ही नहीं। जब ये भाव ही नहीं रहता, इसीलिए मुंह से प्रशंसा नहीं फूटती। आप देखिए, ये भी आजकल आप देखिए चारों ओर ये अभाव है। कोई बेचारा कितना भी ज्ञानवान संपन्न हर तरह से, उसके गुण किसी को दिखते ही नहीं। क्यों नहीं दिखते, क्योंकि हम अपने आप को उससे भी अधिक समझदार, ज्ञानवान, गुणवान, हाँ मैं सबसे सर्वोपरि, मैं को जब तक सर्वोपरि रखेंगे सामने वाले हमें तुच्छ ही दिखेंगे, ये सब तुच्छ है। इसको क्या कह दिया, ईश्वर को पता है अविद्या क्यों नहीं लगी, क्या सुना हमने, वो ज्ञान से परिपूर्ण है और मनुष्य क्या है, आधा अधूरा ज्ञान। जरा सा ज्ञान आ गया, हवन करना आ गया, दो चार मंत्र आ गए, थोड़ा सा कुछ सुन लिया, कुछ पढ़ लिया,
अधूरा ज्ञान छलकता। अधूरा घड़ा क्या होता है? छलकता है कि नहीं? अधूरा ज्ञान तो और अधिक हानि पहुंचाता है, लाभ की जगह हानि अधिक कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभिमान, अहंकार, इतना भर भर के अहंकार आ गया। और जो देखे, जो वृक्ष होते हैं ना फलदार, वो कैसे झुक जाते हैं ना? विनम्रता, ज्ञान का अर्थ ही है विनम्रता। जहां ज्ञान है वहां विनम्रता अवश्य होगी, और जहां विनम्रता नहीं है आप समझ लेना यहाँ ज्ञान व्यान ज्ञान का छींटा भी नहीं है। इसीलिए इतनी अकड़, इतना अभिमान, इतना अहंकार, वो क्यों होता है? अज्ञान वश होता है। ज्ञान आ गया, अभिमान छू मंतर काफूर, जैसे काफूर की टिकिया कपूर खुला रख दो हवा के ले जाएगी, छू हो जाएगी। तो जहाँ ज्ञान होगा ना, सच्चा ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, वहाँ अभिमान छू मंतर हो जाता है, टिकता ही नहीं। तो ये एक पहचान है ज्ञानवान की और अज्ञानी की। अज्ञानी अभिमानी, घमंडी, अकड़ू, टेढ़ा मेढ़ा, आप जितने उस पे विशेषण लगा दो कम पड़ेंगे, कम पड़ जाएंगे। तो इस तरह से ज्ञानवान, आज की सुंदर प्रार्थना स्कूल से लेके आज तक मुझे तो इतनी पसंद कि क्या बताएं। शुद्ध भाव से अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमें सारे ये गुण दे देता है। और हम आगे क्या कर रहे हैं? हम मंत्र कर रहे हैं वेद का। कल मंत्र हमने क्या किया था? यजुर्वेद का मंत्र किया था, 32वां अध्याय, मंत्र संख्या 15। और उस मंत्र का देवता परमात्मा, देवता अर्थात विषय, इस मंत्र का विषय और इसका दृष्टा, मंत्र दृष्टा मेधाकाम ऋषि। अब यह मंत्र इस तरह, मेधाम मे वरुणो ददातु, मेधाम अग्निः प्रजापतिः, मेधाम इंद्रश्च वायुश्च, मेधाम ध्याता ददातु मे स्वाहा। तो इस तरह से मनुष्य ने क्या किया? याचना की पांच छह बार मनुष्य ने परमात्मा से, परमात्मा को अलग अलग नामों से संबोधित करके 6 बार प्रार्थना की। हे वरुण देव, हे अग्नि देव, हे प्रजापति, हे इंद्र, हे वायु, हे ध्याता, 6 बार एक ही बात की याचना ईश्वर से क्या करी गई है मंत्र में? कि मुझे सत्य बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, ज्ञान युक्त, धर्म युक्त बुद्धि प्रदान कीजिए। क्योंकि बुद्धि से ही सारे कार्य, भौतिक कार्य और आध्यात्मिक कार्य, दोनों कार्यों की संपन्नता अच्छे प्रकार से शुद्ध बुद्धि के माध्यम से होती है। जब बुद्धि अशुद्ध है, अपवित्र है, तब सारा का सारा उल्टा हो जाएगा, सारा गड़बड़ घोटाला इस बुद्धि के कारण होता है। इसीलिए हम अन्य मंत्रों में भी देखिए, हम बोलते हैं ना प्रतिदिन जो हम करते हैं, याम मेधाम देवगणाः, उसमें क्या मांगते हैं? बुद्धि तो मांगते हैं कि अच्छी शुद्ध बुद्धि दीजिए। फिर गायत्री मंत्र से क्या मांगते हैं? बुद्धि तो मांगते हैं, दियो यो नः, दियो यो नः, बुद्धि, हे परमात्मा बुद्धि दीजिए, सत्य बुद्धि दीजिए, ताकि मैं इस अशुभ कर्मों से बच जाऊं। दुर्बुद्धि से ही मानव के अंदर दुर्गुण समा जाते हैं। सारे दुर्गुणों की जड़ क्या है? बुद्धि, अशुद्ध बुद्धि दुर्गुणों को ही लेके आ जाती है। और जो शुद्ध बुद्धि होती है वो सद्गुणों को खींच के लाती है, आकर्षित, आकर्षण होता है ना इस संसार के पदार्थ, उनमें जितना भी आकर्षण है, तो ये आकर्षण, विषयों का आकर्षण, मनुष्य कितने जन्म जन्मांतर से इन विषयों को भोगता आया है, पर फिर भी ये आकर्षण उसके अंदर से क्यों कम नहीं हो रहा? उसका एक मुख्य कारण है कि उसको, आत्मा को क्या चाहिए? जीवात्मा को सुख चाहिए, आनंद चाहिए।
तो वो ये जो संसार के जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों के प्रति आकर्षित होता है उनके लिए, उनके वहां से सुख प्राप्त करने के लिए। जब तक उसको ईश्वर से सुख नहीं प्राप्त हुआ, ईश्वर की ओर जब तक मनुष्य नहीं मुड़ता, तब तक ये दौड़ इसकी भौतिक पदार्थों की कभी खत्म नहीं होगी। ये दौड़ जन्म जन्मांतर से उसकी चलती आ रही है और आगे भी चलती आ रहेगी। इन कर्मों के, इन भौतिक पदार्थों के प्राप्ति के चक्कर में जीवात्मा अनेक प्रकार के अशुभ कार्य करता जाता है और उन अशुभ कार्यों का फल भोगने के लिए अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के शरीरों को धारण करता रहता है। कभी कोई शरीर, कभी मानव का शरीर, कभी पशु का शरीर, कभी पंछी का शरीर, कभी वृक्ष का शरीर, इस तरह से अनेक शरीर वो धारण करता ही रहेगा जब तक वो इस भौतिक पदार्थों की आकर्षण से बस थकना चाहिए। जन्म जन्मांतर से मैंने ये सब खाया, सब पिया, सारे पति, सारी पत्नियां, सारे संतान, सब सुख देख लिया, समझ में आ गया क्या था, बस अब नहीं चाहिए। अंदर से जब आंतरिक इच्छा ये होगी, नहीं अब संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, मैंने सब देख लिया, अनुभव कर लिया, ये मेरे काम का नहीं, इनमें मुझे तृप्ति नहीं मिलती, सच्चा सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं आता, मात्र क्षोभ, अतृप्ति, कलेश, कलह, क्या पता क्या क्या संताप भर जाता है। नहीं प्रभु, बस ये बहुत कर लिया मैंने, अब मुझे मात्र सच्चा सुख, सच्चा आनंद चाहिए। इसीलिए ईश्वर से हमने क्या याचना करी, सद्बुद्धि। बुद्धि शुद्ध है तो शुद्ध बुद्धि से आप ईश्वर की ओर मुड़ेंगे। जैसे एक इसका छोटा सा दृष्टांत है, बाजार में, भरे मार्केट में बालक जा रहा है पिता के साथ, चारों ओर मार्केट में तो क्या होता है, आकर्षित करने वाले अच्छी अच्छी चीजें, दुकानें, तो बालक इधर उधर इधर उधर देखता ही दिखता जाता है। पिता को ध्यान आ गया, पिता ने क्या किया, वो मिठाई वाले की दुकान से अच्छे बड़े दो लड्डू दोनों हाथ में पकड़ा दिए। अब क्या हो गया, बालक दोनों लड्डू दो हाथ में मिल गए, वो खाने लगा, वो इधर उधर देखना, भटकना, आकर्षण उसका समाप्त हो गया। उसके हाथ में लड्डू आ गए ना, वो बस अपने खाने में व्यस्त, अपने उसमें तृप्ति, और वो चलता बना। वैसे ही जीवात्मा जब तक उसके हाथ में ये ईश्वर रूपी लड्डू, ईश्वर क्या है, संपूर्ण सुख, आनंद, शांति, तृप्ति का भंडार है, गुणों का भंडार है, तो जब व्यक्ति ईश्वर से जुड़ जाता है, ईश्वर से ध्यान, ईश्वर का ध्यान क्या, ईश्वर से जुड़ना, शुद्ध बुद्धि होती है ना, तो ईश्वर के ध्यान में जब ध्यान उपासना करने बैठते हैं तो शुद्ध बुद्धि का कार्य है, वो तुरंत से उससे जुड़ जाएगा, क्योंकि बुद्धि शुद्ध है ना, बुद्धि शुद्ध है, मन पवित्र है, इच्छाएं खत्म, बुद्धि के माध्यम से ही इच्छाएं नष्ट होती है, बुद्धि निर्णय कराती है कि नहीं ये बेकार ये श्रेष्ठ, अच्छा और बेकार, ये निर्णय बुद्धि कराती है। तो जब बुद्धि शुद्ध हमने प्राप्त कर ली तो हमारे अंदर निर्णय आ गया, भौतिक पदार्थ नहीं, इसका भौतिक पदार्थों का सदुपयोग मात्र, उसका उपयोग रहे, उसके प्रति जो लोलुपता है, जो आकर्षण है, जो तृष्णाएं है, वो खत्म हो जानी चाहिए। बाकी जो सम मात्रा में, जो शरीर को रोटी चाहिए वो तो देंगे, जो वस्त्र चाहिए वो भी देंगे, कहीं किसी वाहन में भी बैठेंगे, कहीं पंखे का सुख भी ले लेंगे, तो ये जो साधन है, साधन के तौर पर जब इन भौतिक पदार्थों का उपयोग करना आ जाएगा मनुष्य को, फिर मनुष्य अविद्या से भी बच जाएगा और ईश्वर से जुड़ जाएगा, और ये भौतिक पदार्थों का जो आकर्षण उसके अंदर है वो नष्ट हो जाएगा। वरना ये तृष्णाएं कभी छोड़ती नहीं, आप देखिए कितना सुन लो, कितना सुना दो, कितना पढ़ लो, कितना पढ़ा दो, थोड़ी देर के लिए निरंतर ये भाव बना रहे उसके लिए
ईश्वर से जुड़ना अति आवश्यक। ज्ञान का माध्यम तीन है, एक तो है वेद शास्त्र का अध्ययन, दूसरा है सत्संग में आकर विद्वानों के माध्यम से, तीसरा ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान एकदम प्रत्यक्ष ज्ञान ईश्वर के माध्यम से, वो कहाँ मिलता है? ध्यान से, उपासना में। ध्यान करने से, उपासना करने के समय वो ईश्वर हमें अपना ज्ञान देता है। जब ईश्वर का ज्ञान मनुष्य प्राप्त करता है, बस उसका काम बन गया। उसने ये मानव का चोला इसी कारण के लिए ही धारण किया था, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही ईश्वर को ये मनुष्य देह मिली थी। जब वो कार्य उसका संपन्न हो गया तो वो कृत कृत हो गया उसका कार्य। अब उसको समझ में आया, हाँ मैं जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य मेरा संपन्न हो गया और हमारा समय भी समाप्त हो गया, अब कल हम नया। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।